हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी था, अपने ऑफिस वर्क में, अपने ऑफिस लोड में थोड़ा सा बिज़ी था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर फिलहाल आज है 2 अगस्त और आज से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। 4 तारीख से मेरा ट्रिप है 23 बंदों का, वो 23 बंदे मेरे ट्रिप में जाने वाले हैं। पर आज 2 अगस्त को मैं पहले जा रहा हूँ, एक दिन पहले जाकर उनकी सारी व्यवस्था करूँगा, उनके लिए गाड़ी बुक करूँगा, होटल ऑलरेडी बुक है, वहाँ की सारी व्यवस्था उनकी करूँगा, देन 4 अगस्त को उनको रिसीव करने के लिए जाऊँगा। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अभी एयरपोर्ट यानी कि कोलकाता के एयरपोर्ट पे। गुवाहाटी से मैं कोलकाता भी बाई फ्लाइट आया, पर मैं आपको दिखा नहीं पाया कि मैं कैसे आया और कौन सी फ़्लाइट से आया। पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इंडिगो से आया था और फिलहाल अभी कोलकाता एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। और यहाँ से जो बैंकॉक की मेरी फ़्लाइट है वो भी इंडिगो ही है। यहाँ पर आने के बाद में मुझे बताते हुए आप लोगों की खुशी हो रही है कि मेरे 2 सब्सक्राइबर जो हैं वो यहाँ पर मुझे मिले हैं और ये लोग भी मेरे ही साथ कोइंसिडेंसली इसी फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मिलाना चाहूँगा मेरे दोस्त अवतार सिंह जी से और एक और गुरुजी हमारे साथ में हैं, मास्टर जी। ये दोनों ही जम्मू से बिलोंग करते हैं और दोनों ही हमारे साथ ही इंडिगो की फ़्लाइट में जाने वाले हैं हमारे साथ बैंकॉक, क्योंकि ये लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं। तो इन्हें भी जो है पहले नहीं पता था कि ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी हो चुका है आजकल बैंकॉक में। और सही बात बताऊँ तो मुझे भी ये बात नहीं पता था, तो मैंने भी कोलकाता में आने के बाद में ऑनलाइन जो है ट्रैवल इंश्योरेंस बनाया है मेरा। और अनफॉर्चुनेटली मैं उसका प्रिंटआउट तो नहीं ले पाया हूँ, पर क्योंकि उसका वाउचर मेरे मेल में है, तो अगर वहाँ पर बैंकॉक में उतरने के बाद कुछ भी दिक्कत होती है तो वो वाउचर मैं उन्हें मेल से दिखा पाऊँगा। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है मेरी ट्रेवल इंश्योरेंस बना ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिस्क लेकर के मैं वहाँ पे उतरूं और किसी भी एक कारण से मुझे वापस से डिपोर्ट कर दिया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उनके पास में लैक ऑफ करेंसी की वजह से, या फिर उनके पास में होटल वाउचर ना हो उसके लिए, या फिर उनके पास में रिटर्न टिकट ना हो उनके लिए। पर अब एक नया फंडा जुड़ गया है कि अगर उनके पास में ट्रेवल इंश्योरेंस ना हो तो भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, ऐसा मैंने कुछ एक रिपोर्ट में देखा है। और ये तो पता चलेगा अब बैंकॉक पहुँचने के बाद ही, पर फिलहाल मैं अभी पहुँच गया हूँ कोलकाता एयरपोर्ट। यहाँ से 6:55 की हमारी फ़्लाइट है, तो हम 6:55 को बैठेंगे और सीधा लैंड करेंगे हमारे 2 सब्सक्राइबर और मेरे एक फ्रेंड के साथ बैंकॉक एयरपोर्ट पे। और फिर आपको बताऊँगा कि वहाँ पर कैसा क्या चल रहा है, यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ पर ज़रूरी है या नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का एयरपोर्ट दिखा देता हूँ, कोलकाता एयरपोर्ट। हालांकि मैंने पहले भी मेरे वीडियो में दिखाया था, पर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। और कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर एयरपोर्ट पे जो है इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेटली एक वीडियो बनाया भी है। पर फिलहाल ताज़ा मैं आपको बात बता दूँ कि जब मैं यहाँ पर इमिग्रेशन कर रहा था तो मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, सिर्फ यही पूछा गया कि सर आप क्यों जा रहे हो, पर्पस ऑफ विज़िट। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं एक टूरिस्ट हूं और मैं घूमने के पर्पस से जा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप काम क्या करते हो, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं एक यूट्यूबर हूं और साथ ही साथ मैं होटल लाइन में हूं। तो वो मुझसे कहने लगे यूं ही हंसी मजाक में कि सर क्यों ना थाईलैंड में भी एक होटल खोल लीजिए, अच्छा चलेगा वहाँ पर। तो वो सब तो हंसी मजाक की बात है, पर अवतार सिंह जी भी हमारे साथ, तो अवतार सिंह जी से हम पूछना चाहेंगे कि अवतार सिंह जी आपसे इमिग्रेशन में क्या पूछा गया था। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी वीडियो देख के हमने प्लान किया है। और जैसे आप उसकी बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया भी आपकी रिटर्न फ्लाइट कब है, तो मैंने उनको बता दिया मैं सर रिटर्न टिकट है मेरे पास और 8 तारीख की मेरी रिटर्न टिकट है, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और मास्टर जी आपसे क्या पूछा उन्होंने इमिग्रेशन में? हाँ जी, आप कब आए, पहली बार आए हो, कब आ रहे हो, अच्छा आपके पास क्या क्या। तो अवतार सिंह जी से जैसा कि आपने सुना इन्हीं के जुबानी की, इनसे पूछा गया था सिर्फ कि आपके पास में रिटर्न टिकट है या नहीं है। और हमारे मास्टर जी से ये पूछा गया था कि आप पहली बार जा रहे हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह है या नहीं है।
तो दोस्तों आप लोग से भी मैं यही हिदायत दूंगा कि आप लोग जो है अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने मेरे वीज़ा ऑन अराइवल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आप लोग अपने साथ कैरी करें, क्योंकि किसी भी एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आपको वापस कर दिया जाएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और साथ ही साथ में आपका जो है दिल भी टूटेगा, क्योंकि आप पहली बार अगर थाईलैंड जाना चाह रहे हो तो हो सकता है आपको पहली बार में ही डिपोर्ट कर दिया जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ कैरी करोगे, जैसे कि होटल वाउचर, रिटर्न फ्लाइट, और मिनिमम अमाउंट जो रहता है वो 10,000 baht रहता है, तो वो सभी आप कैरी करोगे अपने साथ में। और साथ ही साथ अब जैसे कि मैंने सुनने में आया है कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं, 300-400 rupees लगेंगे या फिर उससे भी कम लगेंगे। तो इस 300-400 rupees को बचाने के चक्कर में अपना 20-25-30-50 hazar का जो आपका ट्रेवल बजट है उसको ख़राब ना करें, और ये ट्रेवल इंश्योरेंस जो है ये ज़रूर बना लें। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा सा एयरपोर्ट कैसा है, यहाँ का नज़ारा कैसा है, उसके बाद में इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि हम फ्लाइट में बैठेंगे और बैठने के बाद में हम वहाँ बैंकॉक में जो लैंड होंगे वो इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा सा एयरपोर्ट। तो गाइस ये आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये है ड्यूटी फ्री शॉप। यहाँ से आप जो है ड्यूटी फ्री में आप यहाँ से लिकर वगैरह परचेस कर सकते हो, जो भी लिकर का शौकीन बंदे हैं वो यहाँ से ड्यूटी फ्री में लिकर यहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि हर जगह पे जो लिखा हुआ आपको अलग अलग डिस्काउंट यहाँ पे देख सकते हैं। वो डिस्काउंट के साथ साथ आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी फीस यहाँ पे नहीं लगती है, एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे नहीं लग रही है, इस वजह से आपको ये लिकर जो है बहुत ही कम दाम में मिलने वाली है। हालांकि मैं लिकर वगैरह लेना पसंद नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं इसके अंदर जाना भी पसंद नहीं करूँगा, पर जो बंदे लिकर वगैरह जो पीना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉप है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे कुछ और भी शॉप्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये है एक द टी शॉप्स। ये टी शॉप जो है यहाँ पे आपको ब्रांडेड चाय पत्तीज वगैरह मिलते हैं, यानी कि जो लीफ जो होती है टी लीव्स वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पे थाईलैंड का सिम आप यहीं से आप ले सकते हो, कोलकाता के एयरपोर्ट से यहाँ पे 699 में आपको थाईलैंड की सिम दी जाती है, यानी कि लगभग थाईलैंड के 260 baht में आपको यहाँ पे सिम प्रोवाइड कर दी जाती है और यहीं पे एक्टिवेट भी की जाती है। और इसमें जो ऑफ़र है वो लगभग अनलिमिटेड डाटा रहता है और 230 minutes आपको बैंकॉक से इंडिया के लिए लोकल कॉल आपको मिल जाते हैं। तो आप यहां से आप चाहो तो आप अपनी सिम भी लेकर के वहां जा सकते हो, या फिर आप वहां जाने के बाद अगर लेना पसंद करते हो तो वहां पे जाने के बाद भी आप ले सकते हो। यहां पे आप अगर लेते हो तो यहां पे अपना इंडियन भाई है उसकी भी 2 rupees की कमाई होगी, अगर आप
थाईलैंड में जा कर के लोगे तो फिर एज़ यू नो कि हम थाईलैंड के ही लोगों को अपनी कमाई देंगे, तो उन्हें देने से अच्छा है कि हमारे इंडियन भाई को हम थोड़े से पैसे दे के उनकी कमाई करवाएं। तो पीछे आप अगर देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ एक और भी शॉप से यहाँ पे, जैसे कि लेडीज़ वगैरह के लिए ये एक शॉप है, यहाँ पे बैग वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे कम्प्लीटली मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लेडीज़ आइटम है, तो यहाँ से आप बैग वगैरह ले सकते हो। इसके बाद का जो शॉप है वहाँ पे भी लेडीज़ आइटम है, पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे लेडीज़ के शूज़ वगैरह प्रोवाइड है और वहाँ पे भी आपको बैग वगैरह मिल जाएंगे। तो ये तो कोलकाता एयरपोर्ट है, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर के अपने घर में से जो सजावट के लिए भी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे आपको थाईलैंड की सिम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर आप लिकर के शौकीन हो तो आपको यहाँ पे लिकर भी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो फिर आपको यहाँ पे चॉकलेट्स एंड बिस्किट वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर आप अपने घर से खाना साथ कैरी करके लाए हो तो फिर आपको यहाँ पे बैठ के खाने की सुविधा भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो फिलहाल ये देखिए, ये है ड्यूटी फ्री शॉप और यहाँ से आप परचेज कर सकते हो ड्यूटी फ्री लिकर। और अब वक्त हो रहा है हमारा फ्लाइट में बोर्डिंग करने का, यानी कि हमारी बोर्डिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो अब हम भी जाएंगे सीधा अपनी फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट में बैठ के सीधा लैंड करेंगे बैंकॉक का। तो चलिए अब करते हैं चेक इन, हमारा गेट नंबर है 12 और हमारी फ़्लाइट जो है वो लग चुकी है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं और फ्लाइट में करते हैं चेक इन। सो गाइस, फाइनली हम बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, पर पीछे आप देख सकते हैं वहां पर जब हम फ्लाइट से लैंड हुए तो उसके साथ ही वहां पे लोगों का आप जमावड़ा देख सकते हैं। वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो सबको रुका रहे हैं, वहां पे पासपोर्ट वगैरह चेक किया जा रहा है और उनमें से कुछ लोगों को वापस से डिपोर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ के पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है अभी और कुछ जो बंदे हैं उनके पास में करेंसी जो है वो 10,000 baht नहीं है, उस वजह से उन्हें वापस से डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं वहाँ पे रुक के वीडियो बनाने की कोशिश किया था पर वहाँ पे मुझे ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया, मुझे उन लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, इस वजह से मैं आगे आ गया हूँ। पर मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, जितने भी हमारे फ़्लाइट के बंदे थे उनमें से, यानी कि हम लगभग फ़्लाइट में 200 से 250 बंदे थे, उनमें से आप मान लो कि कम भी 15 बंदों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है।
तो कुछ के पास तो वीज़ा पहले से लिया हुआ था, उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया, और कुछ के पास जो यहाँ से जो ऑन अराइवल लेने वाले थे उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया। रीज़न इसके पीछे ये था कि किसी किसी के पास में जो है वो करेंसी जो है उपलब्ध नहीं थी उतनी जितनी यहाँ पे चाहिए, जैसे कि 10,000 भाट मैंने आप लोगों को मेरे वीडियो में बताया है कि 10,000 भाट आपके पास में होना ज़रूरी है, उतना अगर आपके पास में नहीं होगा तो फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। कुछ के पास में क्या हुआ कि रिटर्न टिकट नहीं मिली जिस वजह से उन्हें वापस भेज दिया, और एक बंदे के पास मैंने देखा है कि उनसे पूछा गया है कि आपके पास में ट्रेवल इंश्योरेंस है या नहीं है, उस वजह से भी शायद उसे भी वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि मैं उस वक्त तक आगे आ चुका था क्योंकि मुझे उन्होंने प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप आगे बढ़िए और पीछे वालों को आने दीजिए, तो इस वजह से मैं आगे चल रहा हूँ। फ़िलहाल अभी आपको बता देता हूँ कि हम पहुँच चुके हैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे और अब हम सीधा जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे। हमें अराइवल डिपार्चर कार्ड जो है वो फ़्लाइट में ही देना चाहिए था, पर क्योंकि फ़्लाइट में उस वक्त उपलब्ध नहीं था ऐसा एयर होस्टेस का कहना है, इस वजह से अब हम जा रहे हैं सीधा वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर, जहाँ पे हमें वीज़ा फॉर्म के साथ साथ ही हमारा जो डिपार्चर और अराइवल कार्ड है वो भी हमें मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे, और क्योंकि अभी रात के बैंकॉक के टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 11:10 हुए हैं, हमारी फ़्लाइट जो है वो बिफोर लैंड हो चुकी है और हम यहाँ एयरपोर्ट पर उतर भी चुके हैं और हम जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। तो वीज़ा ऑन अराइवल का वीडियो जो है मैंने पहले से डाल रखा है कि कैसे आपको क्या प्रोसेस करना है, और उसके बाद में आपको इमिग्रेशन करना होता है, उसके बाद में आपका जो है चेक इन लगेज जो आपने कोलकाता या इंडिया में कहीं से भी कराया था वो आपको लेना पड़ता है। तो अब हम वही प्रोसेस अब दोहराने वाले हैं, वीज़ा ऑन अराइवल में जाएंगे, उसके बाद इमिग्रेशन में जाएंगे, आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे हमारा बैगेज क्लेम करने के लिए, जहाँ पर हमें बोर्डिंग पास दिखाकर हमारा बैगेज क्लेम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग बोर्डिंग पास को बिल्कुल भी ना फेंकें या फिर बोर्डिंग पास को बिल्कुल भी इधर उधर ना रखें, उसे बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि बोर्डिंग पास के बिना फिर आपको लगेज लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, फिर आपको आपके लगेज की दिखानी पड़ेगी और भी कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा यही है कि आप अपना जो बोर्डिंग पास है उसे आप संभाल के रखें। तो चलिए चलते हैं सीधा वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे और वहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ वीडियो बनाने की, अगर बनना पॉसिबल हुआ तो। पर फिलहाल बैंकॉक में हम लैंड हो चुके हैं सेफली और अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा पटाया, और पटाया हम कैसे जाएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून प्लीज़। तो गाइस अब हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक एयरपोर्ट पर और हम आ चुके हैं अब वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे। यहाँ पे हमें ये अराइवल डिपार्चर कार्ड जो कि फ़्लाइट में मिलना चाहिए थे, फ़्लाइट में ना मिलकर यहाँ पे हमें वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर के पास में मिला है, और अब हम इसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में हम सीधा जाएंगे वीज़ा ऑन अराइवल पे, जहाँ पे हम लेंगे एक्सप्रेस वीज़ा, क्योंकि आप पीछे आप देख सकते हो ये सारे जो बंदे हमारी फ़्लाइट के आए हुए हैं, ये सारे बंदे और इसके उस पार और भी भीड़ है, ये सभी जो है वीज़ा लेने के लिए अभी लगेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम टाइम हमारा वेस्ट करें लाइन में लगे, क्योंकि हमारा जो पिकअप है वो लगभग 12:30 है रात को और अभी से 1 घंटे बाद में है, तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 200 भाट एक्स्ट्रा देंगे, पर हमें वीज़ा जल्दी चाहिए, इस वजह से हम 200 भाट दे करके एक्सप्रेस वीज़ा लेंगे और सीधा निकलेंगे पटाया की ओर। तो चलिए इसे फिल कर लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं वीज़ा और फिर आगे की बात आपको बताता हूँ। तो गाइस ये फॉर्म हमने फिलअप कर लिया है, अगर आप देख सकते हो ये मैंने फिलअप कर लिया है पूरा, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट वीज़ा लेने के लिए। इस फॉर्म की ज़रूरत हमें इमिग्रेशन काउंटर पे पड़ती है, पर फिलहाल हम पहले लेंगे वीज़ा, आफ्टर दैट हम इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। इस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो दो पार्ट है, एक पार्ट है अराइवल और एक पार्ट आप देख सकते हो डिपार्चर। तो अराइवल पार्ट जो है वो अभी आपसे ले लिया जाएगा, पर डिपार्चर पार्ट जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। उस पार्ट को आपको अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि वो डिपार्चर पार्ट जो कि ये साइड का पार्ट होता है, ये पार्ट
ये पार्ट आपको जब आप वापस इंडिया जाओगे बैंकॉक से उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस पार्ट की, तो इस पार्ट को अच्छे से संभाल के रखिएगा क्योंकि आप इस पार्ट के बिना आप इंडिया नहीं जा पाओगे। अगर ये गुम जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको एयरपोर्ट पे दूसरा मिल जाता है, पर फिर भी आप ये कोशिश करें कि आप इससे बिल्कुल भी ना घुमाएँ। तो चलिए चलते हैं आगे और लेते हैं वीज़ा। सो गाइस, अब वीज़ा हमने ले लिया है और इमिग्रेशन भी हमारा हो चुका है। हमने एक्सप्रेस वीज़ा लिया था जहाँ पे 200 भाट एक्स्ट्रा ज़रूर लिए थे, बट 200 भाट एक्स्ट्रा लेने पे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें उस लंबी क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ा और हमारा जो वीज़ा है वो विद इन 5 मिनट्स ही हमारे हाथ में आ गया। उसके बाद में हम गए थे, हमारे पीछे आप देख सकते हो ये इमिग्रेशन काउंटर है, उस इमिग्रेशन काउंटर पे हम हमारा इमिग्रेशन कराने के लिए गए थे। वहाँ पे हमने इमिग्रेशन कराया और वहाँ पे एक नया जो रूल लागू हुआ वो ये है कि वो आपके हैंड्स के बायोमेट्रिक प्रिंट लेते हैं, यानी कि आपके जो थंब के और आपके फिंगर के प्रिंट्स लेते हैं। ये एक नया मैंने देखा है, इस बार ये रूल अभी ही लागू किया गया है, तो ये भी अच्छा रूल है। सभी के बायोमेट्रिक का जो रिकॉर्ड है वो उनके पासपोर्ट के साथ साथ उनका जो वीज़ा का जो फॉर्म है उसमें भी आ जाता है और पूरी रिकॉर्ड जो है हमारी उनके कंप्यूटर में सेव हो जाती है, उनके सर्वर में सेव हो जाती है। तो ये अच्छा जो हमने आज देखा है यहाँ पे, ये अच्छा रिकॉर्ड जो उन्होंने सेव कर रखा है हमारा, ताकि हम यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर मुसीबत में फंसे तो हमारी मदद भी कर सके और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट के थ्रू से वो हमें पहचान भी सके। यदि हम जाने में लेट करते हैं या फिर हम यहीं पर रह जाते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में काम करने लग जाते, उस फिंगरप्रिंट के वजह से वो हमें ढूंढने में उन्हें आसानी होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बैग को क्लेम करते हैं और निकलते हैं सीधा पटाया। बाहर हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली अब हम बैंकॉक जो है पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सीधे पटाया। रात के 12 बज रहे हैं, बैंकॉक के टाइमिंग के हिसाब से हमें 5 मिनट लगा वीज़ा लेने में और 10 मिनट लगे हमें इमिग्रेशन में, और हम सीधा बाहर आके बैग को क्लेम करते हुए अब हम जा रहे हैं सीधा पटाया। हमें पिकअप करने के लिए हमारे जो यहाँ के जो दोस्त हैं वो आ चुके थे और हमें पिकअप भी कर लिया गया है। अब हम सीधे जा रहे हैं पटाया, वहाँ पे करेंगे होटल चेक इन, उसके बाद में अगर थोड़ा टाइम रहा तो हम जाएंगे डायरेक्ट कामा और वहाँ पे थोड़ी सी करेंगे मस्ती। मस्ती करने के बाद में फिर वापस आके होटल में थोड़ा देर रेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। रात के 12 बज रहे हैं और सुबह से जर्नी कर रहे हैं तो थोड़ा थक चुके हैं, पर फिलहाल अभी जा रहे हैं होटल में चेक इन करने के लिए क्योंकि होटल हमारा जो एक दिन पहले से ही बुक था इस वजह से रात को हमें चेक इन करना अलाउड दे देंगे। अदरवाइज यहाँ का जो रूल है वो दोपहर के 2 बजे आपको होटल का चेक इन करने को दिया जाता है, पर अगर आप एक दिन पहले बुक कर लेते हो तो वो आपके लिए थोड़ा ठीक होता है ताकि आप रात को भी जा कर के आराम कर सको। तो चलिए चलते हैं सीधा होटल में, करते हैं चेक इन और अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं जो सबसे पहले होटल में रुकने वाला हूँ वो होटल कैसा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बता दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।